वेलकम टू द इंग्लिश क्लास डियर स्टूडेंट इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंजंक्शन स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कंजंक्शंस होता क्या है कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं इट जॉइंस टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस और फ्रेजिज और फ्रेजिज और क्लॉज जो कि बहुत सारे वर्ड्स को यानी कि दो वर्ड्स को दो से ज़्यादा वर्ड्स को सेंटेंस को क्लॉजेस को फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं उसको हम कंजक्शन बोलते हैं वन बाय वन वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एंड का मतलब होता है और जैसे हिंदी में हम और वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में हम एंड वर्ड यूज़ करते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग वह इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है ही इज़ अ गुड वाई एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड वो एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो हमें जहाँ पर और यह सेंस देनी होती है वहाँ पर हम एंड वर्ड यूज करते हैं न और नेक्स्ट है बट बट ऐसे सेंटेंसेज को ज्वाइन करने का काम करता है जहाँ पर कंट्रास्ट पंतु कृंतु पर लेकिन ये सेंस आए जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट वो इंटेलिजेंट है बट केयरलेस बट वो केयरलेस है She is beautiful. वो बहुत सुंदर है बट शी इज़ वेरी शॉर्ट लेकिन वो बहुत छोटी है तो इसी तरह से हम बट वर्ड का यूज़ करते हैं Now नेक्स्ट वर्ड है और और का मतलब होता है जब हम चॉइस बताते हैं जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइस बताते हैं कि आप ये करोगे वो करोगे उसके लिए हम जो हैं और वर्ड का यूज़ करते हैं जैसे आप ये करोगे आप सपोज हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो हम उसे पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक ठीक है क्या लोगे चाय या कॉफ़ी जैसे इसमें एक दूसरे तरीके से भी सेंटेंस है डू यू लाइक कॉफ़ी और टी हाउ वुड यू लाइक टू गो बाय फुट और बाय कार कैसे जाएंगे आप पैदल या फिर कार से नेक्स्ट है बिकॉज बिकॉज वर्ड जो होता है दैट अस द रीज़न जो हमें रीज़न बताता है जिसको हम हिंदी में क्योंकि कहते हैं मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी साइकिल खराब हो गई थी तो हमें रीजन बताया ना जब हम किसी बात का रीज़न बताते हैं तब हम उसके लिए बिकॉज वर्ड यूज करते हैं ही सक्सीडिड वो सक्सीड यानी कि सफल हो गया बिकॉज ही वर्कड हार्ड क्योंकि उसने बहुत मेहनत की नाव सो सो का मतलब होता है दैट इज वाई इस कारण रीज़न बताया जाता है द ट्रेन स्टार्टेड सो वी डिड नॉट प्ले बारिश शुरू हो गई इसलिए हम खेल नहीं पाए ठीक है नाव वी यूज इफ If वर्क का मतलब होता है अगर इफ यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड आप जरूर सफल हो जाओगे अगर आप मेहनत करोगे नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टिल एंड अनटिल टिल और अनटिल का मतलब होता है तक यानी कि जब तक मैं यहां नहीं आता तब तक आप वेट करो ठीक है वेट हीयर टिल अनटिल आई कम बैक इसका मीनिंग होता है तक वो यूज़ वैन टू शो टाइम हम वैन का यूज टाइम को शॉट शो शौ करने के लिए करते हैं शी वाज शॉक्ड वैन शी हर्ड द न्यूज़ वो शॉक्ड हो गई इसका मतलब है जब उसने ये खबर सुनी वैन का होगा यहाँ पर जब वाइल का मतलब होता है जब हम एक साथ दो दो काम चल रहे हों ठीक है जैसे ही वाज प्लेइंग वाइल्ड हीज बदर वाज स्टडिंग वो खेल रही थी लेकिन उसका भाई जो है वो पढ़ रहा था मतलब जब हमें एक काम साइड बाई साइड हो रहे होते हैं तो उसके लिए हम वाइल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं आई लिसन द रेडियो while मदर वॉज कुकिंग मैं रेडियो सुन रहा था जबकि मेरी मम्मा खाना बना रही थी बिफोर का मतलब पहले होता है जैसे आई रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग मैं बेल के बजने से पहले जो है स्कूल पहुंच गया आफ्टर का मतलब होता है बाद में ही रिटर्न होन आफ्टर ही हैड सीन द मैच मैच को देखने के बाद वो घर आ गया दो अन दो इसका मतलब होता है आल दो और दो का मतलब होता है स्पाइट ऑफ इसके बावजूद मतलब वो अमीर है बट वो फिर भी खुश नहीं है दो और दोनों का मीनिंग सेम होता है इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी नाउ स्टूडेंट्स हम करेंगे कंजक्शंस इसकी टाइप्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंजक्शन जो है जॉइनिंग वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस को क्लॉसेस को ज्वाइन करते हैं अभी हमारे पास जो है थ्री टाइप ऑफ कंजक्शंस होते हैं अभी तो मैंने नॉर्मल आपको छोटी सी मेन सिंपल सिंपल कंजक्शंस के बारे में बताया लेकिन अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंजक्शन जो है यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की कंजक्शंस होती हैं पहला है कॉर्डिनेटिंग और दूसरा है को और थर्ड वाला है सुबोर्डिनेटिंग सुबार्डिनेटिंग कंजेक्शन्स सबसे पहला है कॉर्डिनेटिंग कंजेक्शन्स इसको हम फैन बॉय के नाम से भी लर्न कर सकते हैं फैन मतलब फोर ए मतलब एन एन मतलब नॉर बी मतलब बट ओ मतलब और वाई मतलब येट सो so मतलब एस मतलब सो so. तो बच्चों हम इन कंजक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे फॉर का मतलब होता है डिनोट रीज़न किसी कारण को बताने के लिए आई कुडेंट गेट अप अर्ली फॉर आई हैड टू गो टू बैट लेट मैं मतलब हम रीज़न बता रहे हैं कि, कि किस वजह से मैं जल्दी नहीं उठ पाया मैं जल्दी इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि मैं रात को देर से सोया था ही यर्न फॉर नथिंग बट मनी मतलब उसको और वो किसी के लिए परेशान नहीं था बट मनी के लिए तो दिस इज फॉर द रीज़न नेक्स्ट मैंने जैसे अभी आपको एंड के बारे में बताया जो एडिशन को शो करता है आई पुट ऑन माई शूज एंड टुक अप माई बैग मैंने अपने जूते उतारे एंड टुक अप माई बैग पुट ऑन पुट ऑन मैंने अपने जूते पहने और अपना बैग उठाया टू एंड टू मेक फॉर इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग तो एंड जो है इसका मतलब होता है और हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोर नोर का मतलब होता है ना तो मतलब ना तो ये ना तो वो दोनों में से कोई यूज टू डी नॉट नाट नॉट ना तो आई डिड नॉट टेक माई अम्बरेला नो और माई रेनकोट ना तो मैंने अम्ब्रेला लिया और ना ही मैंने रेनकोट लिया आई डिडेंट इट वाई माई फ्रेंड और हीज पेरेंट्स इन द पार्टी ना तो मैंने अपने फ्रेंड्स को और ना ही मैंने उसके पेरेंट्स को इन्वाइट किया बट मैंने आपको बताया कि कंट्रास्ट में आई वेटेड फॉर द बस बट आई बट फाइनली आई टुक अ कैब मैंने वेट की बस की लेकिन फाइनली मुझे जो है क्या करना पड़ा कैब बुक करनी पड़ी इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस क्लियर नेक्स्ट है और और का मतलब होता है या दोनों में से जब हमें दोनों को बताना होता है डिनोट द तो ऑप्शन ऑप्शन देनी होती है तब हम और यूज़ करते हैं आई कुड गो टू द थिएटर और टू द जी या तो मैं थिएटर जाऊँगा या फिर मैं जू जाऊँगा डू यू लाइक कॉफी और टी ठीक है शीमर स्वीप और will डाई या तो उसको रो उसको रोना चाहिए अदरवाइज वो मर जाएगी ठीक है she must स्वीप उसको रोना उसके लिए ज़रूरी है अदरवाइज she will die. तो दोनों में से दोनों में से या तो वो मर जाएगी या फिर वो रोएगी अगर वो उसको रोना उसके लिए जरूरी है बिकॉज शी इज इन डीप पेन तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा येट येट का मतलब होता है फिर भी येट इज़ यूज टू डि नॉट आउटकम जब हम रिजल्ट बताते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है उसका मतलब होता है फिर भी आई ट्राइड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट येट ही कुड नॉट विन द रेस उसने अपने लेवल तक बेस्ट ट्राई किया बट स्टिल ही वॉज नॉट येट ही वॉज नॉट ही कुड नॉट विन द रेस ही रॉट एज फास्ट हैज एज ही कुड नॉट आई कुट कुट माई होमवर्क मतलब जितना फास्ट लिख सकता था उतना फास्ट उसने लिखा बट स्टिल काम कंप्लीट नहीं कर पाया आगे है सो सो जो होता है रिजल्ट को शो करता है आई वॉन्टेड टू वॉच द सीरियल सो आई हरिड होम मुझे जल्दी मुझे सीरियल देखना था इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर आ गया नेक्स्ट है सुबोर्डिनेटिंग कंजक्शन सुबोर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है दैट ज्वाइन आ सबॉर्डिनेट क्लाज टू आ मेन क्लॉज मतलब कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं एक सेंटेंस जो होता है उसकी सेंस पूरी होती है और दूसरा सेंटेंस होता है उस वो उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है एक मेन क्लॉज होता है एक सबॉर्डिनेट होता है जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपनी अपनी लैंग्वेज को अपने मीनिंग को फुल करने के लिए जैसे आई स्टार्ट जैसे इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं सबॉर्डिनेट में आफ्टर एज बिकॉज बिफोर टिल अनटिल बाय द टाइम आफ्टर का मतलब बाद में एज का मतलब जैसे मतलब दोनों में अगर वो इतना इसके इसका मतलब होता है ऐसे जैसे बिकॉज का मतलब क्योंकि बिफोर का मतलब पहले टिल और अनटिल का मतलब तक बाय द टाइम उस समय तक एज सुन एज एस, जितनी जल्दी हो सके When जब ओनली of इफ का मतलब होता है केवल तभी इफ़ का मतलब यदि दैट का मतलब कई जगह आता है वह है यह है तो दैट दिस विल कम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ओके आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट तो मैंने अपना वर्क जो है स्टार्ट किया खाना खाने के बाद ही ऑलवेज कम हेयर बिफोर ही गोज़ टू स्कूल बिफोर का मतलब अब ये देखिए आई स्टार्टेड माई वर्क मैंने अपना काम शुरू किया ठीक है अगर हम इसके बाद आफ्टर वाले सेंटेंस को देखें हैविंग ब्रेकफास्ट खाना खाने के बाद आई वर्क आई स्टार्ट माई वर्क ये तो पूरा सेंटेंस है कि मैंने अपना काम शुरू किया ठीक है उसके बाद हैविंग ब्रेकफास्ट खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद का जो सेंटेंस है वो अधूरा है तो वो जो है मेन सेंटेंस के ऊपर मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है ही ऑलवेज कम हेयर वो हमेशा यहाँ आता है बिफोर ही गोज टू स्कूल वो स्कूल जाने से पहले ही गोज टू स्कूल बिफोर ही ही कम हेयर ही विल नॉट सक्सीज अनलेस यू यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ट तुम तब तक सक्सीड uh, नहीं हो सकते जब तक तुम मेहनत ना करो द गर्ल शी इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टे ये वो लड़की है जिसको हूम का मतलब होता है जिसको मैं कल मिला ठीक है आई मेट यस्टे मैं मिला कल तो इसका सेंस पूरी नहीं है तो होम के बाद अगर हम जो पहले वाला सेंटेंस है वो पूरा है तो इनको जोड़ने के लिए हमारा होम वर्ड लगा शी फेल द टेस्ट बिकॉज शी शीड्यूडेंट स्टडी उसका वो टेस्ट में फेल हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी नाउ दैट आई हैव फाउंड यू आई वुडेंट लेट यू मतलब इसका होता है अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तुम मुझे तुम मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो मैं तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें जाने दूँ नाउ दैट का मतलब होता है अब जब आई विल लीव एज सुन एज राम अराइव मैं चला जाऊंगा जैसे ही राम आता है ओके आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रोमिस नॉट टू टेल एनी वन ओनली इफ का मतलब सिर्फ तभी कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा अगर तुम प्रोमिस करो कि कई बार हमें बोलते ना आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रोमिस नॉट टू टेल एनी वन कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो ओनली इफ का मतलब सिर्फ तभी वेट हीयर यहां वेट करो टिल अनटिल आई कम बैक जब तक मैं वापस नहीं आ सकता शी वज शॉकड वेन शी हर्ड द न्यूज़ वो शॉक हो गई जब उसने न्यूज सुनी इट इज फॉर्चुनेट दैट मिस्टर जॉन विल नॉट रिटर्न यहां पर दैट का मतलब है कि ठीक है ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मिस्टर जॉन जो है वो वापस नहीं लौटेंगे क्लियर नाउ नेक्स्ट इज को रिलेटेड कोरिलेट का मतलब होता है जो कि दो सेंटेंस को जिसमें जो है हमारे सुबह कोरिलेटिड जो है जॉइन करते है, है, हैं क्लॉजिज को जो कि जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है दो क्लॉज होते हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है और ये पेयर में वर्क करते हैं यानी कि अगर एक वर्ड आएगा तो उसके साथ दूसरा जरूर आएगा जैसे आइदर और नइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड वेदर और चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल आइदर कम और गो या तो आइदर का मतलब होता है या तो आओ और जाओ नाइदर का मतलब होता है ना तो नाइदर राम नोर रमन इज इन द रोहन इन द रूम ना तो राम और ना ही रोहन रूम में है ठीक है आइदर का मतलब या दोनों में से चॉइस या ये या ये, ये। आइदर कम और जो या तो आओ या फिर जाओ ना राम और ना ही रोहन जो है रूम में है आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ ट्रेनर ना केवल नॉट ओनली का मतलब तो ना केवल मैं ना केवल एक टीचर हूँ बट ऑल्सो भी हूँ क्या ट्रेनर भी हूँ बोथ माई सिस्टर एंड माई मदर आर टीचर्स दोनों मेरी सिस्टर्स और मेरी जो मदर हैं दोनों टीचर हैं आई हेड बोथ द एप्पल एंड द अगवावा देखिए बच्चों हम कई जगह द और कई जगह दी का यूज़ करते हैं तो वी शुड नो कि हम कहाँ पे द का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम दी का यूज़ करते हैं जब हम द किसी वोवल से पहले लगाते हैं तो हम वहाँ लगाते हैं उसको बोलते हैं हम दी जैसे एप्पल से पहले मैंने यहाँ पर टी एच ई लगाया तो हम इसको बोलेंगे दी लेकिन गवावा से पहले मैंने इसको दा बोलना है क्यों बिकॉज़ यहाँ पर गवावा जो है जी दैट इज़ कॉन्सोनेंट क्लियर जब हम किसी वॉवल से पहले द यूज़ करते हैं तो उसको हम दी बोलते हैं जब हम किसी कॉन्सनेंट से पहले यूज़ करते हैं तो हम इसको द बोलते हैं नाउ नेक्स्ट आई डोंट नो whether शी इज हेयर और there। यहाँ पे हम चॉइस बताते हैं मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर, पर, पर है या फिर वहाँ पर है वेदर दोनों में से चॉइस कि यहाँ पर है या वहाँ पर तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अ नाइस डे